जय माता दी। वैष्णो देवी से जुड़ी हर लेटेस्ट जानकारी जानने के लिए सब्सक्राइब करें डिवोशनल पॉइंट और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। जय माता दी। डिवोशनल पॉइंट एक बार फिर सब सही भक्तों के लिए नई ताज वीडियो लेकर हाजिर है। इस वीडियो में डिवोशनल पॉइंट आप भक्तों को वो अद्भुत नजारा दिखाने वाला है जहाँ पर इतने लंबे अरसे बाद आप देख पाएंगे भक्तों की भारी भीड़। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखना ना भूले, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले। अगर आप चाहते हैं श्री माता वैष्णो यात्रा से जुड़ी नई ताजा तस्वीरें रोजाना प्राप्त करना, आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथ ही आपकी स्क्रीन भी मिल जाएगा। तो बढ़ते वीडियो में अगर बात करते हैं क्या है नई ताजा खबर आप सभी भक्तों के लिए। आप सभी भक्तों की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पर नए साल के समय लगभग 25,000 भक्तों ने आकर माता रानी के भवन पर दर्शन किए और ये अपना में बहुत ही बड़ा आंकड़ा देखने को मिला था और पूरे भवन पर भक्तों की भारी तादाद देखी जा सकती थी। हालांकि अभी जो आप सामने नजारा देख रहे हैं 31 दिसंबर का शाम 6 से 7 बजे के आसपास का नजारा है, जहाँ पर भक्तों की कमी काफी देखी जा सकती थी। वहीं रात होते होते भक्तों की हमें भारी तादाद भी भवन पर देखने को मिली। इसी के चलते श्राइन बोर्ड की चिंता काफी बढ़ गई थी क्योंकि कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर पालन नहीं किया जा सकता था। वहीं आप सभी भक्त जो सामने नजारा देख रहे हैं श्री माता वैष्णो देवी यात्रा का भवन का, रात का लगभग 9 से 10 बजे के आसपास का नजारा है। यहाँ पर भक्तों की भारी भीड़ आप सामने देख सकते हैं और लॉकडाउन होने के बाद में, कोरोना होने के बाद में, ये पहला ऐसा मौका है जहाँ पर भक्तों की एक साथ इतनी भारी भीड़ माता रानी की यात्रा पर देखने को मिली है। भक्तों ने जैसे कोरोना को हरा दिया हो, माता रानी के भवन पर दर्शन करने के लिए इस उम्मीद से आए हैं कि माता रानी 2021 में कुछ अच्छा करेगी, भक्तों की रक्षा करेगी और कोरोना महामारी को हमारे देश से निकालेगी। यही आस लेकर भक्त अपने अपने घरों से श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पर आए थे। यहाँ पर बर्फबारी का भी नजारा भक्तों को थोड़ा देखने को जरूर मिला और भक्तों की इतनी तादाद देखने के बाद ये नजारा और भी अद्भुत बन जाता है। यहाँ पर आप भक्तों की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पर इतनी भीड़ होने के बाद में भक्तों को सोने की जगह नहीं मिली, भक्तों को बैठने की जगह नहीं मिली, पर भक्तों का उत्साह कतई भी कम नहीं हुआ। यहाँ पर इतनी ठंड होने के बावजूद भी भक्तों ने कतई भी हार नहीं मानी। माता रानी के दर्शन करने के लिए भक्तों ने लगभग 5 से 6 घंटे लाइन में लगकर दर्शन करने तक का इंतजार किया और उसके बाद भी भक्तों में अलग ही उत्साह में देखने को मिला, जो कि कहीं ना कहीं अपना में बहुत ही अच्छी बात थी। वहीं आप सभी भक्तों को डिवोशनल पॉइंट बता देना चाहता है, ये वीडियो सबसे पहले आप सभी भक्तों तक डिवोशनल पॉइंट लेकर आया है। अगर आप चाहते हैं श्री माता वैष्णो देवी यात्रा की ऐसी ही और वीडियो देखना तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही इस वीडियो को सभी माता के भक्तों तक शेयर करना ना भूले, क्योंकि माता रानी की यात्रा पर नहीं आ सके पर डिवोशनल पॉइंट के माध्यम से घर बैठे श्री माता वैष्णो देवी यात्रा के अद्भुत दर्शन भी कर सकते हैं। वहीं श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पर आने वाले भक्तों को सभी सुविधाओं का लाभ मिल रहा था, जैसे कि बैटरी कार, हेलीकॉप्टर, रोपवे, ये सभी सुविधाएं भक्तों के लिए खुली हुई थी। यानी कि अगर भक्त यात्रा पर आ रहे हैं तो उन सभी को ये सुविधाएं मिल पा रही है। वहीं अगर बात करी जाए घोड़े, खच्चर, पालकी की भी सुविधाएं भक्तों को मिल पा रही है। आप सामने देख सकते हैं नए साल के मौके पर भक्तों की कितनी ज्यादा यहाँ पर तादाद देखने को मिल रही है और ये अपना में पहली बार नजारा देखने को मिला है जहाँ पर कोरोना महामारी होने के बाद, लॉकडाउन होने के बाद भी भक्तों ने इतनी ज्यादा तादाद में माता रानी के भवन पर आने का प्रयास किया। वहीं श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पर आने वाले भक्तों की भारी तादाद की वजह से कटरा मार्केट में भी काफी ज्यादा चहल पहल हमें देखने को मिली है और जहाँ पर कटरा मार्केट में सभी व्यापारी को काफी ज्यादा फायदा देखने को मिला है। वहीं व्यापारियों का ये भी कहना है अगर भक्त इसी तरीके से यात्रा पर आते रहे तो आने वाले समय में मार्केट को काफी ज्यादा राहत देखने को मिल सकती है, जो कि कहीं ना कहीं काफी बड़ी खबर उन सभी के लिए होने वाली है जिनकी रोजी रोटी सिर्फ भक्तों की वजह से ही चलती है। उम्मीद है आप सभी भक्तों को वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आप भक्तों को वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूले, साथ ही इस वीडियो को सही माता के भक्तों तक शेयर करना इसलिए ना भूले, जिससे कि घर बैठे सभी भक्त सही सटीक जानकारी भी श्री माता वैष्णो देवी यात्रा से जुड़ी जान सके। अगर आप चाहते हैं श्री माता वैष्णो देवी यात्रा से जुड़ी नई और ताजा तस्वीरें रोजाना प्राप्त करना तो आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।